अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। तो आज मैं बेसन वाले नान बना रही हूं। तो मैं ये आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूं। ये मैंने आटा पहले से गूंद के रख लिया है। इसमें सोडा डाला है हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। तो इसको मैंने गूंद के तकरीबन 2-2.5 घंटे से रखा हुआ था, तो ये राइज हो गया अच्छी तरह से। तो ये 2 कप में ये आटा और मैदा मिक्स है। तो ये जो है बेसन जो नान बना के मैं लगाऊंगी ऊपर, उसके लिए ये मैंने बेसन लिया है 1 कप भर के। और ये 2 अदद आलू हैं, इनको मैंने ऐसे काट के रख लिए। 1 बड़ा प्याज है, वो भी काट के रख लिया है। धनिया डंडियों समेत मैंने इसे काट के रखा है, डंडियों से ना अच्छी खुशबू आती है। और ये 1 बड़ा टेबलस्पून जो है ना दरदरा मैंने सूखा जो धनिया है वो लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा है। और 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं। और 1 बड़ा स्पून जो है वो लाल मिर्च है और हल्दी है मिक्स है। और 1 टीस्पून जो है ये कुटी हुई मिर्चें हैं। 1.5 टीस्पून जो है नमक है। तो ये सारा मसाला इसमें जाएगा, आलू भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारी जा रही है मसाले इसमें बेसन में। इसके साथ ही ये आलू जो है मैंने 2 पानी से धोए हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी डाला था पानी में, तो उसमें पड़े रहे हैं। फिर मैंने 2 पानी इनको धो लिया, स्टार्च वगैरह जो है ना निकाल दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालते हैं। इसका मैं बैटर बना के रख लेती हूँ, तो फिर मैं नान बनाती हूँ। ये देखें बस, ये सारी चीज़ें धो के डाली हुई थी ना, तो मुझे पानी नहीं डालना पड़ा। तो अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लिया मैंने सारे। व्यूअर्स ये देखें तैयार हो गया बैटर जो है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है मैदा भी डाला और मीठा सोडा जो है 1/2 टीस्पून डाला, वो मैंने आपको बताया नहीं, तो इसलिए अब मैं बता रही हूँ। तो इसके मैदे के साथ ना अच्छी ज़रा बाइंडिंग हो जाती है। तो चलें फिर मिलते हैं, मैं पहले नान बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बस मैं अभी पेड़े बना रही हूँ, मैं 3 पेड़े पहले बनाती हूँ। और नान जो है ना मैं इतने बड़े नहीं बनाऊंगी, दरमियान में छोटे नान बनाऊंगी, क्योंकि बड़े नान जो है ना वो फिर मसला होता है छोटी कढ़ाई से उठाने रखने का। तो इसलिए मैं दरमियाने, या आप छोटे भी कह सकते हैं या दरमियाने कह सकते हैं। तो ये मैं बनाऊंगी, पहले मैंने 3 कर लिए हैं। अब मैंने बेल लेती हूँ। ये देखें मेरे रूम्स कैसे फूल रहे हैं नाम। मैं दूसरा डालती हूँ।
देखें व्यूअर्स कैसे फूल के बन रहे हैं नान। इस तरह इन्हें मैं कोट कर लेती हूँ। अपना चूल्हा जो है बनाते हुए मीडियम रखना है, पहले तेल गर्म हो जाए अच्छी तरह, फिर आहिस्ता कर देना चूल्हा। तो ये देखें, ये देखें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी बनाएं, खाएं और खिलाएं। और ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, तो नान देखें कितने अच्छे जो है फूल के बने हैं। इसमें भी घी में भी डाला है तो उस वक्त भी ऐसे पूरे फूल रहे थे। तो ये आसान रेसिपी है तो आप भी ज़रूर तैयार करें। अगर रमज़ान आ रहा है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो करके आपको दिखाते हैं, मिलते हैं फिर। ये देखें फाइनली ये भी तैयार हो गया आखिरी वाला। तो इसे भी निकाल लेते हैं। आज की रेसिपी तैयार है, बेसन वाले नान बनाए हैं मैंने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अल्लाह आपका हामी और नासर हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।